हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड ये सेकंड पार्ट है। हम लोगों ने कल फर्स्ट पार्ट कवर किया, पार्ट नहीं बोलेंगे, दूसरा दिन है आज का। और आज हम करेंगे जो कि मेरे ख्याल से पहले के अभी करंट अफेयर्स क्या आ रहे हैं। और जैसा आपको बता दूं मैं, ये यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर्स है, बट यू कांट, हम लोग ऐसे पूरी तरह से यूपीएससी के उसमें नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ स्टेट पीएससी का बेसिकली है ये। जो भी आपके स्टेट पीएससी स्टेट एग्जाम्स होते हैं हर स्टेट्स के, उसके बेसिस में ला रहा हूँ मैं कि आप लोग चेक कर सकते हैं। और जितना जैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं मेरे ख्याल से इसमें से वो आ ही जाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो आज का ये है कि भोपाल में जो कि हमारे चीफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो कि तकनीकी शिक्षा और शिक्षा सेवाओं के लिए एक ग्लोबल स्किल पार्क बना है। ये राजीव प्रताप जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए उन और शिवराज सिंह चौहान जो कि भोपाल के सीएम हैं, उन लोगों ने कंट्रीज बिगेस्ट ग्लोबल स्किल पार्क का फाउंडेशन लेट किया। कल हम लोगों ने देखा था कि फ्रेश वाटर जो एक पार्क बना है वो कहाँ बना है, कल आप लोग ने पता किया था, झारखंड में बना है कि है ना, रांची। वो आप लोग को याद रहना, ऐसे आप हर दिन रिवाइज करते रहिए। और ये कहाँ बना है, ये बना है नरेला शंकरी एरिया में। उसके बाद किसके सपोर्ट से बना है, सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज ITEES के सपोर्ट से बना है ये, ठीक है। अब हम लोग लागत का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने डाल दिया है कि एस्टिमेटेड कितना, 645 करोड़ है करके। सो नेक्स्ट आते हैं, फिर जो मध्य प्रदेश है उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि वो पौधों मतलब 6 करोड़ पौधे लगाने का इन्होंने रिकॉर्ड किया है। ये 24 डिस्ट्रिक्ट में 12 घंटे में इन्होंने 6 करोड़ पौधे लगाए हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश ने ये रिकॉर्ड होल्ड किया था 5 करोड़ का। पहले 5 करोड़ थे, अब 24 करोड़ हो गए हैं, सॉरी हाँ अब 6 करोड़ हो गए हैं 24 घंटे में। तो इन्होंने 12 घंटे 12 घंटे के दो किया था उत्तर प्रदेश ने। इन्होंने 12 घंटों मतलब उत्तर प्रदेश कहता था कि 12 घंटे एक दिन में, फिर अगले दिन 12 घंटे करके, तो उन्होंने 5 करोड़ लगाए थे। और जबकि मध्य प्रदेश में 6 करोड़ सैपलिंग मतलब पौधे एक साथ लग गए हैं। तो पौधे लगाना और उनको ऊपर मतलब उनको पूरा अच्छे से पौधों को जो बड़े होने का, इन दोनों में अंतर है। तो पौधे लगाना बस में अब ये नहीं सोच सकते कि अच्छा काम हो रहा है, पौधे सब लगाते हैं उनको पूरा तरह से देखभाल करने से ही वो आगे बढ़ेंगे, वरना तो कोई मतलब नहीं है कि आप 6 करोड़ लगाओ या 6 पौधे लगाओ, ठीक है। और दूसरा था हमारा, सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया है कि वो 26 वीक जो फीटस होता है, जो कि आपका जो असामान्यता के कारण जो भ्रूण होता है, उनको नॉर्मली 24 वीक के बाद अबॉर्शन करने में मना करते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को, बिकॉज उनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इस कारण इसकी मतलब अनुमति दे दी है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट नॉर्मली आप देख लो कितने वीक तक कर सकते हैं और कितने वीक के बाद नहीं कर सकते, ये इम्पोर्टेंट होना मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए। नाउ केरला के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक जी राइड करके राइडिंग शेयर ऐप यूज किया गया है। तो जी राइड करके आप लोग को पता होगा कि जो बाहर के एरियाज हैं, जहाँ के आईटी में, जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे आईटी है, तो जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, जैसे नागपुर हुआ, रायपुर में भी आजकल आ गया है, और हैदराबाद बेंगलोर ये सब तो चलते रहता है। तो यहाँ पे उबर ओला इन लोग पूल्स करते हैं, जिससे आप एक ही कार में 4-5 आदमी बैठ के अपना जा सकते हैं, जैसे जो अगर वो एक जगह जा रहे हैं। तो जी राइड ऐप इस कारण है कि जो लोग ऑफिस के लिए जाते हैं उन लोग इस ऐप का सहारा लेके कार पुलिंग कर सकते हैं या बाइक पुलिंग जो भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल करने में और सब करने में काम आएगा, इसलिए केरला के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया है। और इनका नाम क्या है, ये है पिनारई विजयन, मैं प्रोनाउंसिएशन अगर गलत कर रहा हूँ तो आप सुधार लीजिएगा। इन्होंने जी राइड ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो अब WHO ने डिक्लेयर कर दिया है इबोला को, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उनको क्या बोलते हैं, पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य में जो कॉन्गो का, उसको WHO ने बोल दिया कि यहाँ पे इबोला जो है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ हो गई। एक न्यूज़ है फिनो, फिनो जो है एक पेमेंट बैंक का दर्जा दिया गया है इसको, भुगतान बैंक, जैसे पेटीएम और पहले पेटीएम और एयरटेल था, वैसे अब पहला जो भुगतान बैंक बना था वो एयरटेल था। ये पिछले साल का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप याद रखिएगा।
ठीक है, ये पेटीएम या जियो कुछ नहीं था, और पहला 4G सर्विसेज भी एयरटेल ने लाया था, जियो ने नहीं लाया था, तो ये सब इम्पोर्टेंट बात है, उसको याद रखिएगा। पर ये पुराने साल का था, मतलब 2016 का ये मेनली करंट अफेयर्स है, तो अभी देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। जहाँ तक अभी है कि जियो के कारण काफ़ी कंपनीज के शेयर्स डाउन हो गए हैं, तो ये इकोनॉमिक परस्पेक्टिव में अच्छा है, आप लोग कभी आंसर लिखेंगे तो उसमें काम आएगा, हालांकि मेंस तो खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर के मेंस के लिए काम आएगा। फिर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, जो कि ये पेमेंट बैंक है, 30 जून से अब पेमेंट बैंक हो जाएगा। फिनो का अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए ऐसे बैंक्स की, तो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, अगर आप नॉर्मली RBI का कुछ एग्जाम दे रहे होंगे तो उनमें ये फाइनेंस के क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि हम लोग को उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कौन सा बैंक पेमेंट बैंक अभी बना है, तो मान लो अगर लेटेस्ट पूछेगा तो फिनो आप बोल सकते हैं, और हालांकि अगर कुछ और बैंक्स आते हैं तो मैं उसके भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, और आई विल कीप यू रिमाइंडिंग लाइक कि इसके पहले क्या था, जैसे मैंने अभी फ्रेश वाटर का बताया, वैसे मैं आपको बता दूंगा कि इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो फिर ये एक रियलिटी फर्म है जिसका नाम है सिग्नेचर ग्लोबल रोप्स, इन्होंने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, ठीक है। तो ये आपका रियलिटी फर्म है, और इसके पहले जो विद्या बालन थी, आपको पता है कि निर्मल भारत अभियान और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर जो था उसमें थी, आप लोगों ने देखा होगा जो हाइजीन और शौचालय का जो एड आते थे, कभी काफ़ी सारे सखी वाले कई एड आते थे, उसमें थी विद्या बालन, और हालांकि अमिताभ बच्चन भी थे शौच वाले में। सो ये सब आप लोग को देखना पड़ेगा, और हालांकि एक जोक भी चलता है आजकल की जिन लोगों को मतलब शौच करने के लिए सेलिब्रिटीज के एड लगाने पड़ते हैं, उनको GST कहाँ समझ में आएगा। तो ये सब तो खैर दूसरी बातें हैं, तो आपको बस विद्या बालन याद रखना है, और अभी जो नया उनका लेटेस्ट है वो याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं सिस्को इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, वो हैं दिनेश मलकानी, इन्होंने ये पद को छोड़ दिया है, तो इसमें आगे क्या होता है हम चेक करेंगे, क्योंकि कई बार आता है अपॉइंटमेंट्स करके आते हैं, तो दिनेश मलकानी ने छोड़ दिया तो कोई नया अपॉइंट होगा, शायद एक दो दिन में पता चल जाएगा, या पता हो भी गया होगा, तो आई विल लेट यू नो आगे क्या होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, आप हिंदी वाले यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो भारत है उसने सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, QR-SAM, इसे लॉन्च किया है, टेस्ट फायर किया है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ है, ये दूसरा है, पहला जो टेस्ट फायर था वो जून में हुआ था, ठीक है, दूसरा टेस्ट फायर है, और ये उड़ीसा के कोच से किया गया है। फिर एक और न्यूज़ है कि आसाम ने स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स लगाया है, SRPF बोलते हैं, ये पहले जुलाई से लागू हुआ है, और ये जो वन हॉर्न सिंह, जो एक सिंह वाले गेंडे रहते हैं, उनके सुरक्षा के लिए लगाया गया है, तो ये भी एक अच्छी सी न्यूज़ है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते रहते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी ये जो टूर्नामेंट हुआ था, ऐसे काफ़ी टूर्नामेंट्स के हम लोग को टॉपिक्स मिलते रहते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो मैंने एक टेबल सा बना दिया आप लोगों के लिए। तो जैसे मेंस के जो सिंगल, उसमें नोवाक जोकोविक हैं, ये जीते हैं, तो देखिए ये थोड़ा नॉर्मल थिंग है, ठीक है, जोकोविक काफ़ी से जीतते आ रहे हैं, जोकोविक, रडाल, फेडरर और एंडी मुरे, ज़्यादा ज़्यादा इन लोग ही जीतते हैं, तो अगर थोड़े बहुत आपको पते रहते हैं तो आप कर सकते हैं आराम से। रनर्स अप उतना महत्व नहीं रखता, फिर भी गियान मॉनफिल्स हैं फ्रांस के, इन्होंने जीत मतलब वो किया है। तो अब मैन सिंगल्स हो गया, जोकोविक आपको याद रहेगा, वुमेन सिंगल्स आपको कैसे याद करना है, देखिए इसमें दोनों कैरोलिन है, ठीक है, एक कैरोलाइना है जो कि चेक रिपब्लिक की है, और एक कैरोलिन है जो कि डेनमार्क की है। तो कैरोलिन से आप ये याद कर सकते हैं, सबको ओलंपिक याद है, पीवी सिंधु भी कैरोलाइना से, कैरोलिन से हारी थी जो कि स्पेन की थी, ठीक है, और उनको यहाँ पे उन्होंने हराया भी वापस, लेकिन जो ओलंपिक का याद कीजिएगा तो उसमें भी कैरोलिन ने जीता था, लेकिन वो शटल था, मतलब बैडमिंटन का कोर्स था, ये जो आपका है आपका टेनिस है, तो बट आपको थोड़ा बहुत तो याद आ जाएगा, अच्छा कैरोलाइन या कैरोलिना ही था, ठीक है। अब अगर किस्मत खराब हुई तो रनर्स अप और विनर दोनों दे देगा ऑप्शन में, तब आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा एग्जाम अपना दिमाग की कितना आपको याद है। फिर मेंस डबल आप देख लीजिए यहाँ पे है, और इसमें हराया गया है रोहन बोपन्ना को, तो ये रनर्स अप थे, ठीक है। फिर वुमेन्स डबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जहाँ जैसे आप लोग को याद है, मैं हर दिन का अपने ब्लॉग पे इंग्लिश और हिंदी दोनों के नोट्स शेयर कर रहा हूँ, तो अगर आपको दोबारा याद करना होता होगा तो आप उस जाके उस नोट को देख सकते हैं, और इसके बाद अगर आप लोग को और कुछ चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। फिर आते हैं हम जेहान दारूवाला, ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने FIA Formula 3 यूरोपियन चैंपियनशिप, ठीक है, ये जीती है, Formula 3 जो रेस होती है वो जीती है, ये पहले इंडियन है, कौन, जेहान दारूवाला। तो ये
नाम याद रख लीजिए। तो ये नाम आपको बहुत फेमस मतलब याद रखना है, जेहान दारू वाला। और बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। और आज का दिन जो कल का दिन था, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है, तो 3 जुलाई को मनाया जाता है। तो सिर्फ मतलब पढ़ने के लिए मैंने एक तरह से दिखा दिया आपको, इतना रिमेम्बर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना कोई पूछेगा तो वो एक नंबर क्वेश्चन रहता है, आता होगा तो फट से आएगा, नहीं आता होगा तो नहीं आएगा। और जहाँ तक मैं बोलूँ तो आप लोग सिर्फ लास्ट के 3 महीने के दिन याद करिए, अनलेस और अनटिल वो साइंस के उससे रिलेटेड है, मतलब अगर कोई विज्ञान के से रिलेटेड है तो आप उसको याद करेंगे। लेकिन जब आपको कोई एग्ज़ाम देना है, खासकर छत्तीसगढ़ का या कोई भी स्टेट का, उसमें जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो करंट अफेयर्स में जो पूछा जाता है कि दिन कौन सा पड़ता है, तो आप पूरी तरह से सिर्फ 3 महीने पहले में जो जो दिन पढ़े हैं वो याद कीजिए। बिकॉज मैंने 2-3 एग्जाम दिए थे, जैसे आपका एग्जाम हुआ जो फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम हुए थे, उसमें वो एग्जाम हुआ था अगस्त के समय 2016, 29 अगस्त को शायद हुआ था या 28 अगस्त को, तब उसमें पूछा गया था पॉल्यूशन और पॉपुलेशन, वो दोनों जुलाई में आता था। फिर आपका जो प्रोजेक्ट रेंजर का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था वाइल्ड लाइफ, वो एग्जाम नवंबर के टाइम हुआ था, उसमें अक्टूबर में वो आता था, अक्टूबर का सेकेंड महीना या सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक। वैसे फिर आपके जो आगे के एग्जाम हुए थे, जैसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये सब में सिर्फ 3 महीने पहले का ही पूछेगा, तो आप लोग उसका याद करके रखिए थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के थोड़ा सा न्यूज़ में। तो छत्तीसगढ़ का आज मैंने पेपर पढ़ा, उसमें मेरे को एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ लगी कि धान की जो 5 अपग्रेड किस्में हैं उनको पास किया गया है, वो क्या करेंगी, कम पानी में जल्दी पकेंगी। और इसमें क्या क्या किस्में हैं वो देखते हैं। सफरी समेत सभी धान प्रजातियों को प्रिजर्व करके रखा गया है, और बादशाह भोग, तरुण भोग, दुबराज, विष्णु भोग, ये सब तो हम जानते हैं, और एक सुगंधित भोग वन करके है, ये सब किसानों को फिर से दी जाएंगी अब। तो यही वो 5 भोग हैं जिनको पास कर दिया गया है, किससे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। और फिर आप ये भी देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दी है, और जो है ज्योग्राफिकल इंडोनेश इंडिकेशन मतलब GI टैग भी ले लिया गया है इन पे, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग अगर ये पूछा गया है तो आप पूछेंगे, समझ में आ जाएगा कि धान से संबंधित है। फिर इसके अलावा अगर कोई किसान अपनी नई प्रजाति विकसित करता है तो फिर वो उस किसान के नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो ये, और ये किसने बोला है, ये SK पाटिल हैं डॉक्टर, जो कि कुलपति हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के, उन्होंने ये बोला है। तो इसमें आप अच्छे से याद कर लीजिए कि देखिए भोग और ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, तो क्यों होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, क्या होता है, ये सब याद कर लीजिए। आप, आपको ये भी याद होगा कि SK पाटिल हैं, वो कुलपति हैं इंदिरा गांधी के। लड़कों के लिए अगर याद करने का तरीका है तो संदीप पाटिल याद कीजिए, संदीप मतलब S, पाटिल मतलब P, पाटिल। और ये संदीप पाटिल आपको याद हो, केन्या के कोच थे 2003 में, जब केन्या सेमीफाइनल पहुंचा था, तो ये इंडियन ओरिजिन के प्लेयर हैं। तो SK पाटिल, संदीप पाटिल, थोड़ा बहुत आपको रिविजन के लिए याद हो जाएगा वो क्या है, वो कुलपति हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। तो गाइज आज के लिए इतना ही, प्लीज बताइए कैसा लगा आपको, एंड इफ यू वॉन्ट एनी इम्प्रूवमेंट इन दैट ऑल्सो लेट मी नो। और मैं अगस्त से अपना जो हम लोग का 10 क्वेश्चन पर डे था हिस्ट्री मीन्स, मैं सोचूंगा कि आपका नॉर्मल GK जो इंडिया GK आता है उसको, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का GK हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अगस्त से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, किसके, CGPSC प्री के लिए, उसके काफ़ी पहले कोई और एग्जाम होते हैं उसके लिए, शिक्षा कर्मी भी अगर काम आए तो अच्छी बात है। और अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको कमेंट में इनके लिंक मिल जाएंगे जो कि ब्लॉग में आप जाके पढ़ सकते हैं। तो गाइज हैव अ नाइस डे, बाय बाय।